मानव समाचार मानवता के हक में। आज चौथा रोज है इंसाफ यात्रा का। इंसाफ यात्रा ये मालेगांव शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये घूम रही है लोगों को ये बताने के लिए कि मालेगांव शहर के सियासी लीडरों ने जो 25 साल से मालेगांव शहर में कॉरपोरेशन में और असेंबली में नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मालेगांव शहर को बदतर कर दिया है। जो मालेगांव शहर कभी अपने तरक्की का मुआवजा नासिक से औरंगाबाद से किया करता था, आज ये हालत हो गई है मालेगांव शहर की कि हम नदी के इस पार और उस पार की लड़ाई में बैठे हैं। नदी के इस पार और उस पार के फर्क को इतना गहरा कर दिया गया है नुमाइंदों की नाकारा पॉलिसी की वजह से कि हम ये महसूस करते हैं कि नदी के उस पार जो है वो तरक्की याफ्ता एरिया है और इस पार जो है वो तनजुली है। मालेगांव शहर में कॉरपोरेशन में टैक्स भरने वाली जो जगह है वो मालेगांव शहर का मशरकी हिस्सा है, लेकिन काम जो है वो मगरबी हिस्से में होते हैं। चाहे कभी वो शेख रशीद साहब को मेयर बनाने के सौदेबाजी में मालेगांव शहर का हक उस तरफ चला जाता है, तो कभी मुफ्ती इस्माइल साहब अपनी दिलजोई करते हैं, मंत्री के सामने मुर्गे बने रहते हैं और मालेगांव शहर का हक उस तरफ चला जाता है। मालेगांव शहर एक मजदूरों का शहर है जहाँ 70% आबादी मजदूरों की है, यहाँ स्लम में रहने वाले लोग हैं। मालेगांव शहर में अगर कोई बीमारी आ जाती है या कोई डिलीवरी या ऑपरेशन का मामला आ जाता है तो मालेगांव शहर के लोगों को दूसरे शहर जाना पड़ता है। यही जरूरत महसूस करते हुए 100 बेड का हॉस्पिटल मालेगांव शहर में मंजूर हुआ था गरीब लोगों के लिए, लेकिन इस हक को भी दादा भूसे ने उस तरफ लेकर चले गए नदी के उस पार, और हमारे शहर के नुमाइंदे जो मुर्गे बने हुए थे उन्होंने उस वक्त तो ये कहा कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, लेकिन वो गए नहीं। अब अगर कोई बेटी को कोई बहन को आधी रात में पेचीदगी आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है डिलीवरी के लिए, तो वो यहाँ से जाती है सरकारी दवाखाना, वहाँ से उनको भेजा जाता है सिविल हॉस्पिटल, और सिविल हॉस्पिटल में जब देख लेते हैं कि इनकी तबीयत ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है या पहला ऑपरेशन नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमको हमारी बहन को लेकर पूर्णिया जाना पड़ता है, और ये जो फासला तय होता है इसमें बहुत परेशानी होती है। कुछ लोग अलग रहते हैं जिनके पहले से कुछ बच्चे होते हैं, अकेला मर्द संभालने वाला होता है, वो बीवी को संभाले के बच्चों को संभाले, ये मुश्किलात आ जाती है। अगर मालेगांव शहर में ये हॉस्पिटल बन जाता जहाँ पे खातून का इलाज और जो नया पैदा हुआ नवमौलूद बच्चा है उसका इलाज होता तो काफी मालेगांव शहर में राहत हो जाती। लेकिन दुख की बात यह है कि अपना सियासी फायदा उठाने के लिए इसको भी उस तरफ दे दिया गया और आज भी मालेगांव शहर के लोग परेशान हैं। मैं सलामताबाद चौक पे खड़ी हूँ, यहाँ के भी कई लोग, कुछ नाम मुझे याद थे कि यहाँ जावेद अताउल्ला वो भी जेल में थे 12 नवंबर में, और एक शख्स ऐसे थे जो दिमागी तौर पर सही नहीं थे, यानी माना जाए वो पागल थे, फिर भी 12 नवंबर में उनको 11 महीने जेल में रहना पड़ा। ये समझ लो कि साथी निहाल अहमद साहब अगर होते, लोग कहते थे जिन्होंने निहाल साहब को शायद सियासी जिंदगी देखी नहीं होगी, वो नौजवान भी 12 नवंबर के वक्त बोलते थे अगर निहाल साहब होते तो ये हालात नहीं होते। तो समझ लो कि अगर हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी होती है और हम एहतजाज करते हैं तो हमको ही गिरफ्तार किया जाता है, हमको ही परेशान किया जाता है। जिस वक्त 12 नवंबर का वाकया हुआ, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली शेख आसिफ साहब ने और उन्होंने कहा कि पत्थर लाए गए थे, उसके बाद इस शहर के एमएलए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने कहा कि ये वाकया जो हुआ है पथराव का ये इत्तेफाक से नहीं हुआ, ये प्लानिंग हुई, और जब 12 नवंबर के लोगों को कोर्ट में लाया गया तो ये बोला गया इस शहर के नुमाइंदे और एमएलए वो ये कह रहे हैं कि प्लानिंग हुई और प्लानिंग की वजह से 120 बो लगाया गया जिसकी वजह से 11 महीने लोग छूटे नहीं। ये समझ लो कि मालेगांव शहर में जो हमारा दबदबा था, जहाँ हम हमारा गुस्सा बताने का काम करते थे, उस वक्त पुलिस हमसे डरती थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हम हमारा गुस्सा भी, हम मजलूम भी हैं, केस भी हम पर होता है और कोई हमको बचाने भी नहीं आता।
ये दबदबा पहले ऐसा था कि हम जुल्म भी हम पर होता था और हम अगर कोई एहतजाज भी करते थे तो हमको जेल में डाल दिया जाता था। साथ ही न्यायालय हम कभी फिरका परस्तों के सामने झुके नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि ये दोनों लीडर अपनी कुर्सी की लालच में हमेशा से उस तरफ के लोगों के सामने, गुंडों के सामने, वो सियासी लीडर जो नदी के उस पार है, वो अपनी सियासत की इब्तदा एक तरफा अकलियत को, मुसलमानों को ऊपर गुंडागर्दी करके सियासत में आए और वहीं से वो 2001 के फसाद के बाद मशहूर हुए। ये याद रखो कि जो फितरत है इंसान की, आदत बदलती है लेकिन फितरत नहीं। भले ही कोई आज लीडर एमएलए बन गया हो, मिनिस्टर बन गया हो, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली। आप देखो कि एक मिनिस्टर होने के बाद जहां दयाना है, जहां मालदा है, जहां दरे गांव है, जहां मुस्लिम आबादी है, वहां आज भी लोग सड़क के लिए परेशान है, गटर के लिए परेशान है, लेकिन जो गैर मुस्लिम इलाका है वहां बराबर काम होता है। ऐसा क्यों दो आंखों से देखा जाता है अकलियत और गैर अकलियत को, ये सोचने की बात है। अगर हम हमारा दबदबा, हमारा सियासी वजन वापस नहीं ला पाएंगे तो तुम समझ लो कि कोई भी मामूली वाकया होगा तो आप लोगों को, मालेगांव शहर की आवाम को परेशान किया जाएगा, झूठे केस में फंसाया जाएगा। जो लोग मालेगांव शहर के इतराफ में रोजगार करते हैं, जो हिंदू इलाकों में रोजगार करते हैं, उनकी दुकानें, उनके मकान महफूज रह पाएंगे क्या? अगर तुम अपनी नुमाइंदगी मजबूत नहीं करोगे तो जो लोग पुल पे कारोबार करते हैं, जो लोग हाईवे पे कारोबार करते हैं, इनकी दुकानें और इनका कारोबार खतरे में होगा। इसलिए जरूरी है सबसे पहले हमको हमारी लीडरशिप को मजबूत करना है, वैसा ही वक्त लाना है जो साथी निहाल अहमद साहब का था। उसका एक नमूना हमने शिवाजी पुतले पर एहतजाज करके, और जो लोग बोलते थे कि माँ का दूध पिया है तो शिवाजी के पुतले पे हार पहना के बताओ, वहां निहाली सोच के साथ मुस्तकीम डिग्निटी ने हार भी पहनाया और ये भी बोला कि दो डंडे मारो सालों को पुल के उस पार भाग जाएंगे। ये तो हुआ, दो दिन के बाद उन्होंने दो डंडे खाए भी। तो ये है निहाली ताकत। तुम ये समझ लो जो लीडर अपने कानून की मालूमात रखता है, दस्तूर की मालूमात रखता है और पुलिस को जवाब देने की ताकत रखता है, उसके सामने लोगों की हिम्मत नहीं होती, पुलिस की हिम्मत नहीं होती कि वो उनको जवाब दे पाए। आप रमजान महीने का वाकया है कि यात्रा, जब गढ़ की यात्रा इधर से गुजरी, मैं अपने बचपन से देखते आई हूँ, जब भी गढ़ की यात्रा इधर से गुजरती थी, मालेगांव शहर के लोग, मुसलमान लोग उनको पानी पेश करते थे, शरबत पेश करते थे, अपनी भाईचारगी का नमूना पेश करते थे। हमारी गंगा जमुना तहजीब दिखाई देती थी, लेकिन वही दादा भूसे और ऐसे शरपसंदों ने यात्रा के लोग जो दरेगांव से पुल के उस पार जाते थे, उनको पुल के इस पार से दरेगांव की तरफ लाया बड़ी तादाद में, और इन लोगों ने जाते वक्त मस्जिद के सामने डीजे बजाया। रमजान महीना था, इशा की नमाज का वक्त था, मगरिब से लेकर, या समझ लीजिए असर से लेकर इशा तक, तरावी तक मस्जिदों में खलल होता रहा। और उस वक्त इस शहर के एमएलए ने कहा कि हम मसलहत से काम लो। हाँ, हमको मसलहत से काम लेना चाहिए, कि शहर का अमन खतरे में ना हो, लेकिन तुम पुलिस को भी बोल सकते थे कि इनको दो डंडे मारो, मस्जिद के सामने अगर कोई टैप बजाता है, अगर कोई तमाशा करता है, नारेबाजी करता है, तो उनको दो डंडे मार के मस्जिद के पास से हटा दो। लेकिन ये ताकत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की दयाली करने का काम इस शहर के नुमाइंदे करते हैं। जब बम ब्लास्ट हुआ, उस वक्त भी झूठे लोगों ने यही कहा कि ये बम ब्लास्ट नहीं हुआ है, ये सिलेंडर फटा है। क्यों? क्योंकि पुलिस माई बाप ने कहा था कि तुमको ऐसा कहना है। जो पुलिस का दलाल होगा वो कभी आवाम का नुमाइंदा नहीं हो सकता। याद रखो, अगर पुलिस हमको अगर इंसाफ करना है तो सब तबके के साथ बराबर किया जाए, अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो जवाब देने की ताकत लीडर को चाहिए। अगर लीडर जवाब नहीं दे सकता, मुर्गा बना रहता है, तो ऐसे मुर्गे को दरबे में भी रखना चाहिए, आवाम का लीडर नहीं बनाना चाहिए। जब कॉरपोरेशन में इख्तदार की बात आई तो कांग्रेस पार्टी शेख रशीद साहब के लिए दादा उसे बहुत अच्छे थे, मालेगांव शहर का पानी उन्होंने दे दिया और ये कहा हमने लाए थे पानी दे दिए और हमारा बस चले तो हम किला भी दे देंगे। उनका बस नहीं चला ही तो अपने मालेगांव शहर को भी वो भेज डालते, अपनी
मेयर की कुर्सी के लिए। तो याद रखें, ऐसे लोग जिनके अंदर कौमियत नहीं है, जिनके अंदर भाईचारगी नहीं है, जिनके अंदर हुजूर की मोहब्बत नहीं है, जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई तो एहतजाज करने में ये लीडरान कहाँ थे? आप बताओ, जो छोटी छोटी बातों में फोटो खिंचाने का काम करते हैं। लेकिन 12 नवंबर में जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई और उसके एहतजाज पे जुलूस निकाला गया, उस वक्त ये लीडर कहाँ थे? हर जगह मैयत के साथ भी, इनके पास तो मैयत मंत्री भी है, कोई फांसी लगा लेता है तो फौरन वो पंखे से उतारने से लेके दफनाने तक के फोटो इनके पास होते हैं। लेकिन जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई तो ना मजहबी नुमाइंदा यहाँ आया और ना गुंडागर्दी करके, जो अल्टरबाजी करके अपनी सियासत की पूजा की है वो यहाँ आए। मालेगांव शहर में हमको रोशन मुस्तकबिल के लिए जरूरी है कि पढ़े लिखे समझदार और कानून को समझने वाले और पुलिस की दादागिरी को उलट के जवाब देने वाले लोगों को साथ देना चाहिए निहाली सोच के साथ। मैं आप लोगों के सामने साथी निहाल अहमद की बेटी ऐलान करती हूँ और ये बताती हूँ, ये वादा करती हूँ कि मैं आने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी से उम्मीदवारी कर रही हूँ। जितने उम्मीदवार हैं इनमें एक खातून मैं अकेली हूँ और ये अब मैं निहाली दबदबे से और मेरे वर्करों की मोहब्बत से और मालेगांव शहर की ताकत से ये बोल सकती हूँ कि ये जितने मर्द हैं उनमें से मैं ही अकेली मर्द हूँ। ये जब शहर पे आफत आती है तो ये घर में घुस जाते, बाहर गांव भाग जाते, मैं ही अकेली हूँ। जो मैंने 12 नवंबर में भी कोर्ट में कहा था कि जितने सियासी लोग हैं सब जनखे हैं, अकेला मैं ही मर्द हूँ जिसका शौहर जेल में है, जिसके सर पर बाप का साया नहीं है, भाई का साया नहीं है और ऊपर से कांग्रेसियों ने मुझको फंसाने के लिए भी कोशिश की। इसके बावजूद मैं कोर्ट में जाती रही, पुलिस स्टेशन में जाती रही, जो लोग जेल में थे उनके घर वालों से मैंने कांटेक्ट रखा और मेरी ताकत के मुताबिक मैं जितना मदद कर सकती थी मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की। आने वाले इलेक्शन में ये गटर नल सड़क, अरे कोई आलिम अगर यहाँ का रहनुमा है तो उसको ये समझना चाहिए कि मस्जिद के सामने गंदा पानी बहता है, लोग जहाँ सफाई नहीं उसमें ईमान है वहाँ गंदा पानी और नापाकी लगा के लोग मस्जिदों में जाते हैं और ऐसे नुमाइंदों को शर्म नहीं आती और वो बात करते हैं बड़ी मजहब की, लेकिन जो नापाकी है उसके बारे में कोई हल नहीं निकालते। मालेगांव शहर का तबका आज गुनहगारी की तरफ जा रहा है, रोजगार के लिए परेशान है। नौजवान जो रोजगार चाहते हैं उनके बेहतर रोजगार के लिए, मर्द जो पढ़ाई करना चाहते हैं, खातून जो पढ़ना चाहती हैं और रोजगार बाइज्जत तरीके से करना चाहती हैं उनके लिए हम लोग मालेगांव शहर में, अगर मालेगांव शहर ने हमारा साथ दिया तो आने वाले इलेक्शन में नुमाइंदगी आने के बाद मालेगांव शहर में तालीम का मियार ऊंचा करने के लिए और गरीब आदमी की ताकत हो सके कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, इतनी सस्ती तालीम कारपोरेशन की और गवर्नमेंट की रहे, ये कोशिश हम करेंगे। लोगों को रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि अगर कोई अवारी मवारी तो कोहली का आदमी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो उसके एहतजाज में अगर मुसलमानों की तादाद अपने नबी की मोहब्बत में निकले तो किसी पुलिस की छाती नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर केस कर पाए, ऐसा नुमाइंदा ये हम करेंगे। आने वाले इलेक्शन में आप तमाम मर्द और जो मेरी माए बहने मेरी आवाज सुन रही हैं उनसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आने वाले इलेक्शन में आप लोग हमारा साथ दें, इंशाअल्लाह एक बेहतर मुस्तकबिल मालेगांव शहर का बने, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। जो मालेगांव की बुनियादी सहूलतें थी, जो हमारे शहर का हक था, वो ऑटर की तरफ दिया जा रहा है। पहले जो कारपोरेशन में दादा भूसे के साथ मिली जुली सरकार चलाकर 5 साल निकाल लिए और अभी शहर के जो नुमाइंदे हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, किसी भी मामले में मालेगांव शहर की अवाम की तरफ से वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने ये देखा होगा कि जिस वक्त 100 बेड का जो हॉस्पिटल था वो मालेगांव आउटर में शिफ्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, सिविल हॉस्पिटल में औरतों और बच्चों के जो अमराज के जो टीम थी, जो लोग वहाँ पर स्टाफ था, वहाँ का जो इक्विपमेंट था, जो सामान था, वो सामान भी जो है आउटर में शिफ्ट करने की तैयारी की गई।
23 सितंबर को समाजवादी पार्टी की तरफ से शान हिंद साहिबा मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने एक धरना शिवाजी के मुजस्मे के पास रखा और अल्हम्दुलिल्लाह उसी मुजस्मे उसी धरने के वक्त पर नासिक के सिविल सर्जन की तरफ से एक लेटर मुस्तकीम डिग्निटी साहब के नाम से आया और उसमें सिविल सर्जन जो है सिविल हॉस्पिटल के, उन्होंने ये कहा कि हम जो ये शिफ्ट करने वाले थे सामान और स्टाफ, हम उसको रोक रहे हैं और यही समाजवादी पार्टी के धरने की वजह से आज जो सिविल हॉस्पिटल का औरतों का और बच्चों का इलाज होता था वो आउटर में जाने से रुक गया। आप देख सकते हैं तमाम सरकारी दफातर आउटर में चले गए, पावर सप्लाई मालेगांव पावर सप्लाई की दो ऑफिस है दोनों आउटर में है, जबकि महावितरण का एक ऑफिस उपकार थिएटर के पास है, लेकिन हमारे शहर के नुमाइंदे के अंदर ये ताकत नहीं कि वो मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड के लोगों को उपकार थिएटर की ऑफिस में लाकर बिठा सके। आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा जिसमें मालेगांव शहर की गरीब आवाम का सबसे ज्यादा अकाउंट था, आज वो बैंक ऑफ बड़ौदा भी सकाना नाके पर चला गया, लेकिन हमारे शहर के एमएलए ने उसके लिए कुछ नहीं किया। कोर्ट के सामने जो रजिस्ट्रार ऑफिस थे, तीन रजिस्ट्रार ऑफिस थे, उसमें से दो ऑफिस एक रावलगांव नाका चला गया, दूसरा सटाना नाका चला गया, लेकिन हमारे शहर के नुमाइंदे उस वक्त भी खामोश रहे। 12 नवंबर का मामला हुआ, चाहे रमजान महीने में जो घर के यात्रा के जो लोग जा रहे थे, मुसलमानों की दुकानों पर पथराव फेंका गया, तरावी की नमाज के वक्त मस्जिदों के पास डीजे बजाए गए, लेकिन हमारे शहर के नुमाइंदे में ये हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ आवाज उठा सके, क्योंकि वो दादा भूसे के आगे बोल नहीं सकते। मैं आवाम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप सोचिए, आप समझिए, उसके बाद ये फैसला कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो, आपके शहर में आपका जो हक है वो आपको मिले, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल बने, तो आपको आने वाले असेंबली इलेक्शन में सोच समझ कर फैसला करना होगा कि कौन है जो आपके लिए आवाज बुलंद करता है। आज एमएलए की जो पावर होती है, आप देखिए नीतीश राणे मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे, रामगिरी बाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, लेकिन क्या हमारे शहर ने कोई नुमाइंदगी की? जबकि वो शिंदे, वो कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर शिंदे मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं चीफ मिनिस्टर से मेरे बहुत अच्छे मरासिम है, क्या हमारे शहर के एमएलए का ये काम नहीं था कि वो जाकर शिंदे सीएम शिंदे के पास जाकर बैठते और नीतीश राणे और रामगिरी बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते, लेकिन वो खामोश रहे क्योंकि दादा भूसे की तरफ से उनको इजाजत नहीं है बोलने की। तो मैं तमाम ही लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में आप चाहते हो कि आपके शहर मुस्तकबिल हो, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बने, तो आप सोच समझ कर फैसला कीजिए। इस बात से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।